दोस्तों, मैं सीता ठाकुर आपको ये सिर्फ कुर्ता कटिंग बताऊंगी। उसमें कलर वाला काटना है तो सबसे पहले हमें कपड़ा को इस तरह दो फोल्ड ले लेंगे, जो रेडीमेड कपड़ा मिलता है, सूट का पीस मिलता है उसमें कुर्ता में। उसके बाद इसको हम चार फोल्डर खुले साइड के तरफ से उधर मोड़ेंगे। ये कपड़ा जो बचा है दोस्तों, ये आस्तीन के लिए अपने काम आ जाएगा, गले में लगाने का, मतलब पीछे गले में लगाने का, आगे कलर बनाने के लिए ये कपड़ा काम में आ जाए। ये देखिए, हम इसको चार फोल्डा करके बराबर से तय कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको लंबाई लेना है। लंबाई हमारा 37 का है, चेस्ट हमारा 36 का है। ये रहा 37। 37 में हमको 1.5 इंच ब्लस करना है, क्योंकि मोड़ेंगे और सिलाई में हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, गला 2.5 इंच तो हमने गला ले लिया। ये सामान्य है, और जो पतले दुबले हैं तो उसका कम, मोटे हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा कंधा है। हमेशा कलर वाले में हमको चौड़ा कंधा लेना पड़ता है, तो हमारा कंधा है 14 इंच का, 14 में हाफ प्लस कर लिए तो 7.5। ये चौथा भाग होता है, कंधे का चौथा भाग हुआ। ये देखिए, अब ये हमने कंधा 7.5 का किया है, तो इधर को भी हम 7.5 ये 7 कर देंगे। गला 1.5 इंच का, ये पीछे का है 1.5 इंच में। सामने का अपने डिजाइन अनुसार आप जैसा चाहते हैं वैसा, पूरा बैक करना है तो बैक, ये तो फिर खुला, ये सामने को करना है तो खुला भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको, ये कंधा है, यहाँ से हमको 1/2 इंच ऐसे गले से 1/2 इंच तिरछा कटिंग करना है, इसको गोला ही दे देना है। अब यहाँ से देखिए, 7 का आधा करना है अपने को, यहाँ यहाँ से होते हुए हल्का से, ये पीछे का है, हमारा चेस्ट है 36 का, तो उसका चौथा भाग हमको करना है। चौथा भाग है 9 9 × 18 18 × 36। अब इसमें भी हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए 1.5 इंच, ये सिलाई के लिए अपने को यहाँ से सिलाई करेंगे, इतना कपड़ा अपने को बचाना है। अब कमर के लिए हमको थोड़ा सा नीचे, कम से कम 6 इंच नीचे, 1/2 इंच यहाँ से चेस्ट से, इसमें हमने चेस्ट में 1.5 इंच किया है, तो ये इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। अब हम लंबाई की तरफ जाते हैं। हमको घेर 12 इंच का करना है, तो हम 1.5 इंच इसमें भी ज़्यादा लेंगे। 11 का करना है तो हमको 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 12.5 का हो जाएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से इसको, फिर इसको मिला लिए। फिर हमको यहाँ से ये शेप हो गया दोस्तों, इसी को ये शेप कहते हैं। ये देखिए, एक ही आकार का यहाँ से
इसी को ए शेप कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम राउंडिंग देंगे क्योंकि सिलाई में एक कोना ना निकले। काटने के समय थोड़ा सा यहाँ से हम राउंड दे देंगे। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से जो कट का निशान रहता है, जो जहाँ से खुला भाग रहता है, वो उसको हम 14 में किए हैं। अब यहाँ से हम इसको खुला भाग रखेंगे, इधर के भाग बंद रहेगा। चाहेंगे तो अपने अपने इच्छा अनुसार होता है ये, किसी लोग ज़्यादा बंद पसंद करते हैं, किसी लोग और ज़्यादा खुला पसंद करते हैं, तो आप ये अपने इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसको देखिए यहाँ से हम राउंड दे दिए। एक के अंदर के साइड से होगा और एक ये बाहर के साइड से। बाहर के साइड हमारा पीछे का है। सबसे पहले हम पीछे का काटेंगे। देखिए जहाँ हम यहाँ ओ का निशान दिए थे उसको कट कर लेंगे पहले चारों फोल्ड में। इससे हमें जोड़ने में आसानी होगा। यहीं हम बंद करेंगे सिलाई करते वक्त। अब इसको यहाँ से भी निकाल देंगे। यहाँ भी कट कर निशान दे देते हैं। अब हम इसका पल्ला अलग करेंगे, सामने का और पीछे का। सामने का ये भाग को हम निकाल देंगे काट के। ये गहराई, सामने के भाग को हमको गहराई देना पड़ता है। हमने देखो गहरा काट दिया। ये पीछे का है, तो पीछे के में जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसको भी हम अलग कर देंगे। अब हम आस्तीन काटेंगे। अगर आस्तीन का चौड़ाई हमें ऐसे कम लगे तो उधर से ले लेंगे। पहले देखते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। कम से कम हमको 8.5 लेना है या 8, तो नहीं हो रहा है तो हम ये ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इसको भी हम 4 फोल्डर।
चार फोल्ड ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें आस्तीन की लंबाई लेना है 14 इंच और उसका गोलाई लेना है 3.5 इंच। यहाँ से देखते हैं 14 में हम इसमें भी 1.5 प्लस करेंगे यानी 15.5। यहाँ निशान लगा लेंगे। ये हम 8 इंच में निशान लगा लिए। उसके बाद हमारा गोलाई कितना है 3.5 इंच है, तो हम 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रख देंगे, कपड़ा रख देंगे, बचा देंगे उसमें इसको। इसको ये हमारे चेस्ट का बागवा हिस्सा होता है वैसे, मगर सामान्य ज़्यादातर हम इसको 2 इंच या 2.5 इंच में रखते हैं। यहाँ से और 1 इंच हम सीधा ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, फिर इसको हम 3 हिस्सा में कर देते हैं। एक थोड़ा ऊपर की तरफ, ये यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ। पहले राउंड हम गोल ऐसे ले लेंगे यहाँ से, उसके बाद सेकंड राउंड जो अंदर की तरफ रहता है, जो सामने पल्ला जो कटेगा वो ऐसे थोड़ा गहराई से राउंड कट जाएगा, बिल्कुल आँख के समान। अब इसको हम यहाँ से ये मिला देंगे, देखिए। अब इसको हम थोड़ा फोल्ड करके कटिंग कर देंगे। थोड़ा हो करके गोलाई, सबसे पहले गोलाई कटेंगे, ये रहा। अब इसको हम अलग करेंगे दोनों पर लग को, ये एक को ऐसे बिछाएंगे और एक को ऐसे। ध्यान रखिएगा अपोजिट होना चाहिए, एक का उल्टा इधर है, ये दोनों का उल्टा अंदर के साइड होगा उल्टा कपड़ा। और फिर इसको हम बराबर करके, ये जो गहराई है, गहराई हमने दिया है निशान, इसको काट लेंगे। ऐसे ये देखिए काट के कर दिए। अब ये दोनों का पल्ला जो है आमने सामने हुआ, तो यानी एक का ये ध्यान रखना है, एक की एक साइड का होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए दोनों। अगर एक जैसा रख के कपड़ा काटेंगे तो एक जैसा कट जाएगा, तो एक ही तरफ का स्टीम होगा। इसलिए ये जब हम कटिंग करते हैं तो आमने सामने होना चाहिए कपड़ा, ताकि दोनों कपड़ा से आमने सामने दिखाई दे उसका गहराई। ये देखो दोनों का गहराई सामने आ गया आमने सामने। Thank you.